हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। आज हम सिलेबस डिस्कशन करेंगे थर्ड सेमेस्टर बिल्डिंग ड्राइंग का। देखेंगे बिल्डिंग ड्राइंग में कौन सा टॉपिक पढ़ना है और कैसे कैसे टॉपिक हैं उसमें। हम कहें बिल्डिंग ड्राइंग सब्जेक्ट कैसा है, इजी है, हार्ड है, कैसा है, हम कह देंगे वेरी 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 सिंपल है, बहुत आसान है। लेकिन हम एक बात कहेंगे कि ड्राइंग जो होता है वो पढ़ने वाला सब्जेक्ट नहीं होता है, ड्राइंग जो होता है वो बनाने वाला सब्जेक्ट होता है। हम आपको पढ़ाएंगे, आपको समझ अच्छे से आएगा, सो कर वीडियो देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, समझ आएगा 100%। लेकिन जब तक आप ड्राइंग को बनाएंगे नहीं, ड्राइंग पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ड्राइंग प्रैक्टिस मांगता है। तो क्या करना है आपको, ड्राइंग का हम जैसे जैसे सिलेबस शुरू करेंगे, ड्राइंग आपको पढ़ना है, उसके बाद बना करके व्हाट्सएप पर भेजना, चेक करके बता देंगे गलत है कि सही। उसके बाद रिजल्ट आएगा, आनर्स लेके आएंगे, हमको पार्टी दे दीजिएगा, और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पहला टॉपिक क्या होता है, फाउंडेशन। इसमें हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, फाउंडेशन यानी नींव पढ़ेंगे हम। नींव हमको बहुत प्रकार से मिलेंगे, नाना टाइप के नींव होते हैं, बस एक ही नींव हमको पढ़ना है, स्प्रीड फूटिंग फाउंडेशन यानी खसकेदार नींव। कौन सा नींव भाई, खसकेदार नींव। बहुत आसान टॉपिक है, एक दिन में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। सारे टॉपिक एक एक दो दो दिन में ख़त्म होते जाएंगे, 10 टॉपिक आएंगे। दूसरा जो होता है फ्लोर होता है, फ्लोर यानी क्या होता है आपका, फर्श होता है। अब फर्श में भी कई तरह का फर्श पढ़ना है, जैसे कि कंक्रीट का फर्श है ना, जैसे टाइल्स का फर्श, समझ रहे हैं, जैसे कि कांच का फर्श, जैसे टेराजो का फर्श, जैसे कि मोज़ेको का फर्श, जैसे कि संगमरमर का फर्श, है ना। इतने टाइप के हमको फर्श पढ़ना है ना। अब जानते होंगे फर्श किसे कहते हैं भाई, फर्श पे हम खड़ा आपको पढ़ा रहे हैं अभी। तो फाउंडेशन के ऊपर क्या होता है आपका, फर्श मिलता है, ठीक है। फिर थर्ड टॉपिक आता है आपका रूफ। रूफ मतलब क्या होता है आपका, छत होता है। छत हमको दो तरह से पढ़ना है, एक होता है RCC का रूफ, एक होता है आपका RBC का रूफ, ठीक है। अब देखिएगा RCC क्या होता है, RBC क्या होता है। तो RCC थर्ड सेमेस्टर है, तो आप जानते होंगे या ना जानते होंगे, लेकिन जान जाएंगे जब हम इसके अंदर घुस के पढ़ाएंगे तब। RCC मतलब होता है रीइंफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट, एक होता है RBC रीइंफोर्समेंट ब्रिक कंक्रीट, रीइंफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट, रीइंफोर्समेंट ब्रिक कंक्रीट। इन सारे डिटेल में बताएंगे इसका काम क्या होता है, क्यों RCC बनाते हैं, क्यों RBC बनाते हैं, क्यों CC बनाते हैं, क्यों PCC बनाते हैं, क्यों DPC बनाते हैं, LCC क्या होता है, सारा चीज़ डिस्कशन हम करेंगे, बेसिक चीज़ को अगले क्लास में, ठीक है। अभी बस सिलेबस लिख लेते हैं, मोटा मोटा बता रहे हैं RCC क्या होता है। अगले सिलेबस में आप मतलब अगले क्लास में इन बेसिक चीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे कि मसाला क्या होता है, कंक्रीट क्या होता है, क्यों एक संबंधित चार क्या है, एक दो चार में एक क्या है, दो क्या है, चार क्या है, सारा चीज़ अगले लेक्चर में आएगा, ठीक है। तो छत, एक छत देखे होंगे कंक्रीट का, मतलब सीमेंट वालू गिट्टी का छत है ना, सीमेंट वालू को पानी के साथ मिला के ढलाई कर देते हैं मशीन के थ्रू। एक छत देखे होंगे कि ईंट, छत में ईंट दिखता होगा, तो जो ईंट वाला छत होता है वो RBC का छत होता है, और जो मशीन से बनाकर ढलाई कर देते हैं वो RCC का छत है। मोटा मोटा बता दिया आपको, समझ आ गया होगा, ठीक है। चौथा जो हमको पढ़ना होता है डोर पढ़ना होता है। डोर मतलब क्या होता है भाई, दरवाज़ा। अब दरवाज़ा हमको कई पढ़ना होता है, जब इसमें सबसे पहला हमको दरवाज़ा पढ़ना होता है दिल्लेदार दरवाज़ा यानी पैनल डोर, PAW यानी पैनल डोर, ठीक है। क्या पढ़ना हमको, दिल्लेदार दरवाज़ा पैनल डोर। अब इस दिल्लेदार में हम पढ़ेंगे पूर्णतः लकड़ी का यानी फूली वुड का, और अंशतः लकड़ी और अंशतः कांच का, यानी दिल्लेदार दरवाज़ा क्या होता है हम देखेंगे जब दरवाज़ा पढ़ेंगे। दिल्लेदार दरवाज़ा में हम एक दरवाज़ा पढ़ेंगे जो पूरा लकड़ी का बना होगा, देखेंगे एक रहेगा कि नीचे लकड़ी रहेगा, ऊपर क्या रहेगा, रोशनी वगैरह जाने के लिए कांच लगा देते हैं, तो अंशतः कांच और अंशतः लकड़ी का। इसमें हम दूसरा पढ़ते हैं फ्लश डोर, सपाट दरवाज़ा। तीसरा पढ़ेंगे वायर गेज डोर। अरे प्लाईवुड का दरवाज़ा देखे ना, प्लाई वाला, उसी को कहते हैं हम लोग फ्लश डोर, प्लाई, एकदम सपाट दरवाज़ा रहेगा, उसमें कुछ मॉडल वगैरह नहीं बना रहता है, वही क्या हो जाएगा आपका, फ्लश डोर हो जाएगा, ठीक है। फिर आप एक दरवाज़ा देखेंगे जाली वाला दरवाज़ा,
देखे ना जाली कि मच्छर वगैरह दिन में हवा, तो जैसे जाली वाला दरवाज़ा बंद रहेगा तो उसके क्या फ़ायदा है, हवा तो घुसेगा लेकिन मच्छर मक्खी उसमें नहीं घुस पाएंगे, तो जालीदार मत है ना, जालीदार दरवाज़ा भी हम पहेंगे। फिर चौथा हो गया आपका विंडो, विंडो यानी कि खिड़की। अब खिड़की भी हम पढ़ेंगे पैनल विंडो, पैनल यानी दिल्लेदार विंडो, पैनल विंडो। अब इसमें वो भी पढ़ेंगे पूर्णतः लकड़ी का, पूर्णतः लकड़ी का, और दूसरा पढ़ेंगे अंशतः लकड़ी और अंशतः कांच का, अंशतः लकड़ी और अंशतः अंशतः कांच का। ठीक है, तो ये हो गया आपका चार सब चार टॉपिक। ठीक है, बहुत आसान टॉपिक है। आप देखेंगे दरवाज़ा खिड़की, दरवाज़ा खिड़की लगभग एक ही जैसा होता है, दरवाज़ा थोड़ा बड़ा होता है, खिड़की थोड़ा छोटा होता है, बनता तो एक ही तरह। ठीक है ना, ठीक है जी, चार टॉपिक हुआ। उसके बाद हम पढ़ेंगे पांचवा, पढ़ेंगे आर्च। क्या पढ़ेंगे? आर्च, इन हिंदी क्या होता है, इसका डार्ट होता है। अब आर्च हमको दो तरह से पढ़ना है, सेमी सर्कल आर्च, सेमी सर्कल आर्च, सेमी सर्कल नहीं, इसको हम सर्कल ही लिख दे रहे हैं, सर्कुलर आर्च। और एक होता है आपका सेगमेंटल आर्च, सेगमेंटल आर्च है ना। अब आर्च क्या होता है ना, क्या पढ़ेंगे हम, आर्च पढ़ेंगे। आर्च दो प्रकार से हमको पढ़ना है, एक हो जाएगा सर्कुलर आर्च, सर्कुलर आर्च, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका सेगमेंटल आर्च, क्या हो जाएगा आपका सेगमेंटल आर्च। अब आर्च क्या होता है देखेंगे, पुराने ज़माने में जो दरवाज़ा होता है ना, दरवाज़ा देखें, दरवाज़ा उसके ऊपर ऐसा मॉडल बनाया जाता था पुराने ज़माने में, है ना। इधर क्या है, पूरा दीवार है, दीवार है। दरवाज़ा और खिड़की के ऊपर देखेंगे पुराने ज़माने में ना ऐसा मॉडल बनाया जाता है। अभी भी रेलवे स्टेशन पर देखेंगे जो पुराना रेलवे स्टेशन है वो इसी मॉडल का मिलेगा आपका, है ना, इस मॉडल का मिलेगा दरवाज़ा खिड़की पर। तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग, इसी को क्या कहते हैं, आर्च कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, आर्च कहते हैं, दरवाज़ा खिड़की के ऊपर बनाया जाता है। तो हमको दो तरह का, दो शेप का आर्च पढ़ना है, एक सर्कुलर हो आर्च हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा आपका सेगमेंटल आर्च हो जाएगा। छठा क्या हो जाएगा आपका, ब्रिक, ब्रिक फ्लोर, क्या हो जाएगा आपका, ब्रिक फ्लोर हो जाएगा, ये ईंट का फर्श जहाँ कम यूज है, जैसे कि खड़ंजा, आप अपना गांव में आप खड़ंजा देखें, फर्श ही तो है भाई, ईंट बिछा दिया गया है ना, जैसे कि गाय भैंस या फिर लोकल चीज़ों को रखने के लिए जब हम फर्श बनाएंगे तो टाइल्स का फर्श बनाने की जरूरत नहीं है, लोकल फर्श से हम काम चला देते हैं, तो उसे कहते हैं हम लोग ब्रिक फ्लोर। इसमें दो तरह का पढ़ना है, एक होता है हेयरिंग बॉन्ड, क्या होता है आपका हेयरिंग बॉन्ड, और दूसरा होता है आपका डायगोनल बॉन्ड, है ना, क्या होता है आपका डायगोनल बॉन्ड। हम देखेंगे जो ईंट बिछाते हैं, अब अपने गांव में खड़ंजा देखेंगे तो अलग अलग ईंट जो बिछा रहता है अलग अलग मॉडल का बिछा रहता है ना, तो वही मॉडल, जो एक मॉडल को हियरिंग बॉन्ड कह देंगे, दूसरे मॉडल को हम लोग कह देंगे डायगोनल बॉन्ड। ठीक है, फिर सातवा आ जाएगा डैम्प प्रूफिंग, डैम्प प्रूफिंग डिटेल ऑफ ऑफ बेसमेंट, है ना, डैम प्रूफिंग डिटेल ऑफ बेसमेंट, यानी बेसमेंट आप जानते हैं जो भी ज़मीन के नीचे रूम रहता है उसे हम कहते हैं बेसमेंट, कहते हैं ना, ज़मीन के नीचे वाले रूम को ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल के नीचे वाले रूम को कहते हैं बेसमेंट। जो ग्राउंड लेवल के नीचे है तो ये मिट्टी के कंटेक्ट में है, क्योंकि अगल बगल तो मिट्टी है, मिट्टी में नमी होती है, वो नमी दीवार में घुसेगा क्योंकि दीवार तो ईंट का बना है और पूरा आपका दीवार ख़राब हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, डैम प्रूफिंग करना है, डैम प्रूफ मतलब होता है सीलन को रोकना, डैम्प मतलब होता है सीलन, अप्रूफ वाटर प्रूफ सुनेंगे रोकना, कि सीलन को रोकना है, डिटेल में बताइए कैसे हम सीलन को रोकेंगे बेसमेंट में, कि भाई बेसमेंट जब हम बनाएंगे तो क्या क्या व्यवस्था करेंगे कि जो किनारे का सीलन है वो दीवार में ना जाए और इफेक्ट ना करे। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे डैम्प प्रूफिंग डिटेल ऑफ बेसमेंट, है ना। फिर आठवां हम पढ़ेंगे जंक्शन एंड बॉन्ड, जंक्शन एंड बॉन्ड। अब बॉन्ड क्या होता है, अब बॉन्ड होगा कि भाई चिनाई करने की व्यवस्था क्या है, जैसे कि आप देखेंगे जब ईंट चिनाई होता है तो ऐसे दो ईंट रखते हैं, पहले रद्दे में ऐसे ऐसे दो ईंट रख देंगे, दूसरे रद्दे में ऐसे रख देंगे। ठीक है ना, देखेंगे अपने घर में 9 इंच का जब दीवार चलता है, एक ईंट ऐसे रखेंगे, एक ईंट ऐसे रखेंगे, रखे ऐसे एक एक ईंट, उसके बाद जब अगला रद्दा चलेंगे तो ऐसे ऐसे रखते हुए चले जाएंगे,
देखे होंगे ना, एक तरह का इसे हम कहते हैं इंग्लिश बॉन्ड। क्या कहते हैं? इंग्लिश बॉन्ड। तो इसी तरह का होगा कि हम चिनाई करेंगे तो सामने से कैसा दिखेगा, है ना। अब 4 इंच का देखिए, अब 4 इंच में बस ऐसा ऐसा रखते हुए चले जाते हैं, है ना, ऐसा ऐसा रखते हुए चले जाते हैं। अब उसमें ऐसा नहीं रख सकते, 9 इंच वाले में एक बार ऐसा रखते हैं, एक बार ऐसा रखते हैं, ठीक है। तो उसे कहते हैं हम लोग बॉन्ड, बॉन्ड कहते हैं। बॉन्ड को हमको बॉन्ड पढ़ना है कि कैसे कैसे बनते हैं। फिर जंक्शन, जंक्शन मतलब ये दीवारें हो गई, जैसे इसे कहते हैं हम लोग क्या, इसे क्या कहेंगे, रूम हो गया, इसे कहते हैं कॉर्नर जंक्शन या एल जंक्शन। कोना है तो कोना जंक्शन या एल जंक्शन, इसे कहेंगे टी जंक्शन। देखिए टी की तरफ मिल रहा है ना, इसे क्या कहेंगे हम लोग, टी जंक्शन। इसे कहेंगे हम लोग क्रॉस जंक्शन। क्या कहेंगे? क्रॉस जंक्शन। तो वहाँ कैसे व्यवस्थाएँ की जाती है कि वहाँ से ईंटें एक दूसरे से अलग नहीं होती हैं, समझ रहे हैं ना, कैसे व्यवस्था किया जाता है कि वहाँ से चीज़ें एक दूसरे से अलग ना हो, इसे हम क्या कहते हैं, जंक्शन, ठीक है। उसके बाद 9वां टॉपिक क्या हो जाएगा आपका, है ना, 9वां टॉपिक हम पढ़ देंगे बिल्डिंग ड्राइंग। क्या पढ़ेंगे भाई? बिल्डिंग ड्राइंग। एक टॉपिक शायद हमको छूट रहा है क्या, कोई लकड़ी हो गया, बॉन्ड हो गया, जंक्शन हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, छूटेगा तो हम सिलेबस जब से मतलब पढ़ाएंगे तो जब हम पढ़ाएंगे तो देखेंगे, ठीक है। तो वैसे छूट नहीं रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों हमको लग रहा है ऐसा कि छूट रहा है, छूटना तो नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, नहीं छूटा, नहीं छूटा। तो क्या हो जाएगा आपका? बिल्डिंग ड्राइंग। अब बिल्डिंग ड्राइंग क्या होता है? पूरे बिल्डिंग, अभी देखिए जो ऊपर इसके पार्ट पढ़े हैं, यानी 8 तक जो पार्ट पढ़े हैं वो क्या है, वो क्या है कि बिल्डिंग के पार्ट हैं, जैसे डोर हो गया, विंडो हो गया, छत हो गया, फ्लोर हो गया, फाउंडेशन हो गया, वो सब बिल्डिंग के छोटे छोटे पार्ट हैं। जब छोटे छोटे पार्ट को पढ़ लेंगे तब हम क्या पढ़ेंगे? बिल्डिंग ड्राइंग, यानी पूरे घर का ड्राइंग एक ही साथ बनाना है। एक बार घर को ऊपर से काट कर देखेंगे, घर को काट करके ऊपर से देखेंगे तो उसे कहेंगे प्लान, घर को जब काट करके सामने देखेंगे कहेंगे उसे सेक्शन, और जब बिना काटे घर को सामने देखेंगे तो उसे कहेंगे एलिवेशन, ठीक है। तो यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा? बिल्डिंग ड्राइंग। यदि आप बिल्डिंग ड्राइंग अच्छे से बना देते हैं एग्जाम में तो अच्छे नंबर आएंगे, एक ही ड्राइंग में आप पास हो जाएंगे, ठीक है, बिल्डिंग ड्राइंग। लेकिन ऐसा नहीं सोचना कि डायरेक्ट आप बिल्डिंग ड्राइंग पढ़ेंगे, वो हो ही नहीं पाएगा। अब बिल्डिंग ड्राइंग पढ़ने से पहले आप ऊपर का सारी चीज़ें आपको आएगा तभी आप बिल्डिंग ड्राइंग पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो आई होप आप समझोगे। इसके अलावा आप लोगों के कुछ डिमांड रहेगा, सर ए टॉपिक पढ़ा दीजिए, ओ टॉपिक पढ़ा दीजिए, मिसलेनियस। मिसलेनियस मतलब होता है विविध। विविध में देखिए सिलेबस तो इतना है, लेकिन विविध मतलब क्या होता है कि हमसे हो सकता है कोई छूट गया टॉपिक, या फिर कोई ऐसा टॉपिक एग्जाम में आ जाता है जो सिलेबस में रहता ही नहीं है। आप लोग प्रीवियस ईयर जब पेपर देखेंगे तो कोई ऐसा टॉपिक आ गया जो सिलेबस में नहीं है, लेकिन वो आ गया, तो आप डिमांड करेंगे सर इसको भी हमको पढ़ा दीजिए, हम पढ़ा देंगे। इसलिए एक टॉपिक लिख लिया जाता है मिसलेनियस, जो कोई टॉपिक है जो कभी कभी आते हैं, या फिर अचानक आ जाए, या फिर आपको लगता है कि ये आ सकता है तो हमको कमेंट करेंगे, हम उसको पढ़ा देंगे, ठीक है। तो उसको मिसलेनियस में डाल दिया, तो मिसलेनियस भी हम लोग पढ़ लेंगे यदि कोई टॉपिक छूटता है, बचता है, आने वाला होता है, ठीक है। तो आई होप आप समझेंगे, ये बहुत आसान टॉपिक है, बहुत आसान, मस्ती से हम लोग पढ़ेंगे और अच्छे से पास होंगे। बस आपको बना करके हमको भेजना पड़ेगा, बस आपको यही काम करना है, ठीक है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे बातों को, वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। गुड लक।